हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। कोई आई नो मैंने बीच में बोला था दैट यू नो आई एम गोना बी एक्टिव, बट यू नो कुछ ना कुछ काम आ रहा था, सो आई कुडंट शूट एनीथिंग। सो यस, और आज का व्लॉग बनाना तो बनता ही है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे फाइनली। सो गाइज, वी आर गोइंग टू इमेजिका फॉर ऑलमोस्ट 2-3 डेज, एंड हमारी फैमिली ट्रिप गोवा के प्लान की तरह होती है। कभी भी यू नो सक्सेस नहीं होती हमारी फैमिली ट्रिप, बट इस बार विदाउट एनी डिलेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, आर फैमिली ट्रिप इज ऑन एंड हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद ऐसी लॉन्ग ड्राइव भी हो रही है हमारी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं इमेजिका गया था व्हेन आई वाज इन स्कूल, उससे भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऊपर हो चुके हैं। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक स्टोरीज है वहाँ की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आर यू एक्साइटेड सोनू? आधी नींद में, कल रात को 2 बजे सोई है, 6 बजे उठी है बंदी। फोन में देखते क्या हो रहे तुम लोग इतने रात को? स्लेप्ट अराउंड 1। वाओ, बहुत जल्दी नहीं सोई तू 6 बजे उठने के लिए? हाँ, अभी जितना बोल रहा हूँ उतना 1-1 घंटा कम कर रही हो। वाह, यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक है, बहुत चालाक, चालाक सिस्टर। यस, देखते रहिए ब्लॉग एंड सी यू फ्रॉम इमेजिका। थैंक यू डैड। अभी करो, प्रॉपर आया नहीं वो। सो गाइज, वी हैव रीच द होटल और मेरे पीछे आप देख सकते हैं देयर इज इमेजिका। आई एम सो एक्साइटेड। और ये राइड्स को आई थिंक इसका नाम आई थिंक नाइट्रो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है, बट यस ये दूर से दिख जाती है राइड। और इसमें मैं बैठा ही नहीं हूँ आज तक, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई है, वो देख के मुझे बहुत डर लगता है। और हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, लगेज हमारा ऊपर जा चुका है, एंड दे सेड के अभी 5 मिनट में अंदर परेड होने वाली है। सो वो तो मैं मिस नहीं करने वाला हूँ फॉर श्योर। एंड ज़्यादा आउट फोकस हो रहा है, बर्न काफ़ी हो रहा है, सनी भी है काफ़ी, बट डोंट वरी, मैंने सनस्क्रीन लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धूप में घूमूंगा, बट जस्ट सी। शाम के 6:30 बज गए और मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, इमेजिन। हम लोग 9:30 बजे सुबह पहुंच चुके थे, तो वी हैड ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट हम लोग ने रूम वगैरह चेक इन कर लिया था। नीचे में गया, गेम जोन है वहाँ पे, बहुत सारा मैंने पूल खेला, टीटी खेला, एंड आफ्टर दैट हमने लंच भी कर लिया। वहाँ पे भी मुझे याद नहीं आया कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और मुझे कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए था। सो अभी मुझे याद आया व्लॉग तो भूल ही गया। तो रूम टूर करते हैं। सो ये रहा हमारा बेडरूम नंबर 1। सो ये ऐसे यहाँ पे 2 बेड्स हैं, एंड बाय द वे व्यू काफी सही है यहाँ से, लुक एट द व्यू। वाओ, लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग नहीं कर रहे। सो यस, ये यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। अब मैं आपको लेके, कोई नहीं, कैमरा मैन है, ऐसा बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीजें होती रहती है, सो जस्ट इग्नोर। एक्चुअली दिख गया होगा टीवी से। हाँ जी। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिविंग एरिया है, यहाँ पे बहुत ही मैस हमने फैला दिया है, 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं एज आई सेड। और ये हमारा स्वागत हुआ था कुछ मंचीज से, ऐसे एक प्यारा सा नोट लिखा था यहाँ के जनरल मैनेजर ने, कुछ फ्रूट्स रखे थे और कुछ स्वीट्स रखे थे, वो सब अभी यहाँ पे है, सो आपको देखने नहीं मिलेगी। सो ये लिविंग एरिया है, यहाँ पे मिनी फ्रिज है, ये एक्स्ट्रा मेरा चटर पटर है, डोंट। एंड ये हमारा है वॉक इन वार्डरोब। सो यहाँ पे ये सब सामान है, अभी वापस इधर आ जाइए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम में। सो दिस इज द बेडरूम नंबर 2। बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही स्पेशियस रूम है, यहाँ पे बालकनी है बहुत अच्छी सी, और सेम व्यू आता है जो पूल का हमने वहां से देखा था। ये बालकनी जो है लॉक्ड है यहाँ पे, ये क्या? हमें जाना नहीं है। ओह यस, ये सोनू को एक रील शूट करनी थी इन द मॉर्निंग, सो हम ट्राईपॉड लाना भूल गए थे बड़ा वाला, बट लकीली मैंने कैरी किया था व्लॉग के लिए, सो ये मैंने जुगाड़ किया है। सो यहाँ पे कैमरा लगा के हमने शूट किया है, सो यू नो वी इंडियंस आर सो गुड एट दिस, यू नो, जुगाड़ करने के लिए। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम, कोई चाहिए अंदर? कोई नहीं, अभी जाओ। सो दिस इज द बाथरूम, एंड यहाँ पे एक बाथ टब भी है,
यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मिरर है, बड़ा सा यहाँ पे शावर एरिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये कनेक्टिंग है वॉक इन वार्डरोब जो है, और वापस अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएगा लिविंग एरिया। कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, कल हम लोग बहुत चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो अभी मैं आपको डिनर के बाद मिलूंगा कल, और कल फुल ऑन धमाल करने वाले हैं थीम पार्क में जाके। सो यस व्लॉग जरूर देखना, एंड चलो अभी चलते हैं। इवनिंग में चश्मे कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ, अक्षय कुमार की आत्मा का। एंड यस बाय द वे कम हियर, यहाँ पे भी एक बाथरूम है। यहाँ पे देख लो कितनी सारी आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम, ब्लैक करंट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी वेनिला आइसक्रीम। गौर से देखिए इस औरत को जो अकेले अकेले अपनी प्लेट लेकर बैठ चुकी है, खाना खा रही है। ऐसा नहीं कि भैयों को एक बार पूछ ले कि भैयों आपने खाया, आप सुबह से खेल रहे हो कूद रहे हो, आपने खाना खाया? क्या लिया तूने? पास्ता पनीर एंड ये क्या आलू चाट, इतना सही? मैं दही बड़ा सैलेड, मैं गिल्ट फ्री खाना खा रही हूँ ताकि चीट किया बट नहीं किया बट किया ऐसे। गाइस तो ये नेक्स्ट डे है और सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही अच्छा अच्छा यमी यमी खाना था। नाउ वी आर गोइंग टू इमेजिका, या 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 इमेजिका, ना 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 ना। सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू इमेजिका थीम पार्क। सो मैंने अपने माइंड में कुछ कुछ राइड्स हैं वो रखी हैं, मुझे वहां पर जाना है और एक्सप्लोर करना है, और आई थिंक हम लोग पूरा नहीं घूमेंगे बिकॉज यू नो जो रोलर कोस्टर राइड्स है उसमें हम लोग बैठने नहीं वाले हैं, काफी धूप भी है। सो मुझे टाइम तो नहीं होना ऊपर जाके। सो जो इंडोर एक्टिविटीज है मोस्टली हम लोग वही करने वाले हैं, स्पेशली हम लोग जाने वाले हैं मिस्टर इंडिया, एडी डोम, सलीमगढ़ एंड और भी एक दो है जो हम आपको अंदर जाके बताएंगे। दिस इज माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे, आई एम सो एक्साइटेड। सो चलो चलते हैं और घूमते हैं इमेजिका। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, ऑफ कोर्स इट इज, अंदर जाके आपको पता चल ही जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मिस्टर इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट 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 प्लेस, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मिस्टर इंडिया जरूर ट्राई करना। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव सम फन। वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस, ये मतलब मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई यहाँ पे जाके मिस्टर इंडिया राइड। बहुत ही मज़ा आया हमें, बचपन की मुझे याद आ गई, जब मैं स्कूल से जब आया था इमेजिका तब हमने यहाँ पे यू नो दो या तीन बार लाइन में लग लग के हम लोग गए थे, अंदर बैठे थे, बहुत ही मज़ा आया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सलीमगढ़, वी हैव कम टू सलीमगढ़ एंड आई एम एक्साइटेड। मॉम डर रही है बट मॉम को भी हम लोग लेके जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, आपको जस्ट बैठना है और इंसान ही आपको डराने वाले हैं। सो जितनी भी इंडोर राइड्स थी वो ऑलमोस्ट हमारी सारी कवर हो चुकी हैं, एंड द लास्ट वन वाज अलीबाबा। एंड आई रिमेंबर जब मैं स्कूल से आया था ट्रिप के लिए तब मैं ऑलमोस्ट एक घंटा वो लाइन में रुका हुआ था, इतना क्राउड था तब, इतना रश था, और वो एक घंटे के बाद हमें अंदर जाके बैठने मिला था, इतना सुकून मिला था। एंड यू नो मैंने हाईएस्ट स्कोर भी किया था, एक्चुअली मैंने 4-5 thousand कुछ स्कोर किया था, लेकिन आज मैंने 11,000 प्लस स्कोर किया है, इम्प्रूवमेंट देख रहे हो आप, एंड आई एम सो हैप्पी, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। एंड ये जो यहाँ पे छोटे छोटे स्टोर्स हैं, यहाँ पे टॉयज़ मिलते हैं, एक्सेसरीज मिलती हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सुवीनियर्स हैं। एंड आई रिमेंबर ऑफकोर्स जब स्कूल में था मैं तब मॉम ने घर से ना कुछ पैसे दिए थे कि कुछ खाना पीना हो कुछ लेना हो, तो मैं एक शॉप में गया था जो बाहर ऐसे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पर मैं गया था,
और मैं सारी चीज़ों के प्राइजेस देख रहा था, तो किसी का कुछ 500 था, 600 था, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा कम वाला है जो मेरे बजट में आ पाए। तो आई रिमेम्बर मैंने ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ में एक छोटा सा बाउंसिंग टॉय कुछ तो लिया था मैंने, वो भी है नहीं यहाँ पे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नीचे केव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फाउंटेन है, वहाँ पे विल क्लिक सम पिक्चर्स एंड उसके बाद जाएंगे होटल, कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वाय पिएंगे, रिलैक्स करेंगे एंड आई कंटिन्यू द व्लॉग। सो व्लॉग आगे कंटिन्यू, देखते रहना। मैजिका पार्क है जाकर एंड बहुत ही मजा आया, पैर बहुत ही दर्द कर रहे हैं हमारे एक्चुअली। सो यस, मैं आज लेट डिनर कर रहा हूँ, यहाँ पे आई हैव ऑर्डर्ड बिरयानी। ये देखो हेल्थ के नाम पे क्या खाया जा रहा है यहाँ पे, चॉकलेट मूस खाया जा रहा है। रात के 12:30 बज रहे हैं, आंखों में नींद है इसके, पर लुक एट हर, लुक एट हर। ओके गाइस, सो राइट नाउ इट्स 7:25 और मैं, मॉम, डैड उठ चुके हैं, सोनू अभी तक नहीं उठी है। तो सोनू के लिए मैंने एक सरप्राइज प्रैंक प्लान किया है। सो ये नोवोटेल होटल में उनकी सर्विस है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं इमेजिका के वो आते हैं सुबह में और वेकअप कॉल देते हैं। सो ये स्पेशली बच्चों के लिए है स्पेशल सर्विस। सो बच्चे उठेंगे कैरेक्टर्स को देख के, तो बहुत ही फन चीज़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम हमारे बच्चे को उठाएं। तो मैंने दो कैरेक्टर्स अभी बुलाए हैं, मोगेम्बो एंड टबी, जो इमेजिका का कैरेक्टर है। सो आई एम सो एक्साइटेड, पता नहीं सोनू डरेगी, कैसे उठने वाली है, कैसे होने वाला है। सो अभी मैं जाके ये कैमरा बेडरूम में प्लेस करता हूँ एंड उनका वेट करता हूँ डोर ओपन करके कि कितने बजे आते हैं वो लोग। गुड मॉर्निंग, हाय, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। नोरे सब आई गॉट स्केयर्ड। सो लुक एट दिस, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, डोनट्स हैं, मफिन्स हैं, यहाँ पे ये सारी पेस्ट्रीज हैं, यहाँ पे ब्रेड सेक्शन है और यहाँ पर हेल्दी हेल्दी चीज़ें हैं, यहाँ पे हैं चीज़, फ्रूट्स, यहाँ पे हैं स्प्राउट्स वगैरह, सैलड एंड ऑल, यहाँ पे हैं फ्रूट्स, यहाँ पे हैं योगर्ट, ये फ्लेवर्ड योगर्ट अभी डैड लेकर गए थे सेवो सिंह, बहुत ही अच्छा है, यमी है ये, पता नहीं कौन सा फ्लेवर का होगा, क्या लग रहा है कौन सा फ्लेवर का होगा। देन यहाँ पे हैं सारे जूसेस, वाटरमेलन, बटर मिल्क इज देयर, ऑरेंज जूस, क्यूकुमर जूस, बटर स्कॉच मिल्क शेक। ये तो मतलब हर ब्रेकफास्ट, हर बुफे में होता ही होता है, इसका होना काफ़ी ज़रूरी है। दिस इज़ मेदू वड़ा, आलू बोंडा, तो आज क्या है, छोले भटूरे, पाव भाजी, मसाला उपमा एंड बूंदी। अरे मुझे बूंदी लेनी थी एक्चुअली। सो गाइज, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था यहाँ पे और मुझे सुबह सुबह मेरे क्यूट लिटिल फैंस मिल गए, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। हाय, क्या नाम है आपका? सॉरी, आपका, आपका हितेश। ओके, सो देवर सिंह दैट ये मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं सोनू के साथ और जो भी मैं बनाता हूँ। सो मैंने बोला मैं ये भी व्लॉग बना रहा हूँ आपको, मैं व्लॉग में लेता हूँ, से हाय। सो ये अब आप व्लॉग देखना, ठीक है, आप आ गए व्लॉग में। ओके, सी यू, बाय बाय। ओके गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं पूल एरिया के वहाँ पे एंड आई एम जस्ट लविंग द वाइब, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है बट इस व्यू के सामने ठीक है, वो सब इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ आर लास्ट डे, बस हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, दुख भी हो रहा है थोड़ा, लेकिन हम लोग वापस आएंगे बहुत जल्द विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड येस, थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ नोवोटेल इमेजिका फॉर मेकिंग आर स्टे सो कम्फर्टेबल एंड सो गुड। बस यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करके देन वी लीव। सो बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, बाय।